या आप नहीं करना चाहते हो वो गलत कर रहे हो, या फिर आप जांच करो, ये आपकी आपका संवैधानिक अधिकार है, पर जांच नहीं करेंगे हम एफआईआर नहीं कराएंगे, ये हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि हम एफआईआर कराएंगे। कोशिश है पड़ रहा है, अपन ने अपनी बात की थी, ये एफआईआर करे तो ठीक, नहीं तो यहीं पे अभी जब तक बैठेंगे रात भर जब तक ये एफआईआर नहीं करेंगे। थोड़ी शांति देश के संसदीय संविधान में देश की या प्रदेश की सरकार के कोई मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, इन्हें मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है। गृह रेल राज्य मंत्री रवनील बिट्टू ने राहुल गांधी जी के खिलाफ गलत बयान दिए, यानी नरेंद्र मोदी जी की शय पे दी, मोदी जी के कहने पे दी। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक विधायक ने और यूपी के एक मंत्री ने भी बयानबाजी की, मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा के में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पर हमले किए जाते थे, अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना है इसका व्यवहार कैसा, जैसे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का कार्यालय हो, और टीआई का वक्तव्य कैसा, यानी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष टीआई बन के बैठा हो, इस तरह का व्यवहार क्या कहता, ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हम पिछले 2 घंटे से सीधे एविडेंस है, वीडियो है, उस पर एफआईआर कराना चाहते हैं, पर ऊपर से आदेश है सरकार का, इसलिए फायर नहीं होगी। मतलब मैसेज ये है जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पे प्रतिबंध है, पुलिस विभाग सर्विस रूल के अधिकारी पालन नहीं करेंगे और एफआईआर नहीं लिखेंगे, ये मैसेज है कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति के की लड़ाई लड़ने आई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिन्होंने प्रेम प्यार मोहब्बत और भाईचारे के लिए देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की, 200 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के पिता ने, राहुल गांधी जी के पिता ने शहादत दे दी इस देश के लिए, शहीद हो गए भारत रत्न, जो उनकी दादी ने एकता और अखंडता देश की बनी रहे इसके लिए सीने को छन्नी करवा लिया, उस व्यक्ति को इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना मतलब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करना है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों से जिस तरीके की भाषा बुलवा रहे हैं, ये एहसास कराता है कि उनको संविधान में भरोसा ही नहीं है। कोई विरोध में उनके बात करे, सवाल खड़े करे, तो वो सहन ही नहीं कर सकते। ये मैसेज है कांग्रेस पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के लिए, के विचार के लिए, उनके सहयोग के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए अपना एक खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो बहाना पड़ेगा। आज कम से कम 1000 जगह, 1000 थानों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए, पर सब जगह सीधे निर्देश है गृह मंत्री जी के कि एफआईआर मत करना, ये संविधान खतरे में है इसका एहसास कराता है। धन्यवाद।